कपिश आउटडोर बॉक्स। तो गाइस ये मैंने अमेजोन से परचेस किया है। तो ये जो मैंने अमेजोन से परचेस किया है ये लिक्विड सोप डिस्पेंसर क्लीनिंग ब्रश है। तो यहाँ पे मैं अनबॉक्सिंग करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमें दो पीसेस मिले हैं। तो गाइस ये है हमारा डिस्पेंसर क्लीनिंग ब्रश। मैं इसका यूज दिखाती हूँ। इस तरीके से इसकी पैकिंग है। इसे निकाल देते हैं। ये कौन सी चीज के लिए काम आने वाला है? ये ब्लू कलर में है और ये इसे इस तरीके से प्रेस करना है। ये ब्रश के टाइप में है और इसका लुक भी अच्छा है, छोटी साइज का है। यूज करने में आपको इजी पड़ेगा। अंदर से कुछ इस तरीके का है, यहाँ पे देखिए। और ये नीचे का है। तो गाइस मैं आपको इसका यूज दिखाऊंगी। ये किस चीज के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पहले हम इसमें लिक्विड डालते हैं। कहाँ पे डालना है वो यहाँ पे मैं दिखाऊंगी। वैसे ही आपको करना है। तो इसका ऊपर का ढक्कन खोलें। देन इसमें लिक्विड डालें। यहाँ पे देखिए ये मैंने विम लिक्विड लिया है। अब हम इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे। देन इसे शेक करके यूज करें। आप देख सकते हैं कि हम इसका यूज बर्तन के लिए यूज कर सकते हैं। पैन टाइल्स को आसानी से साफ कर सकते हैं। किचन सिंक हो या वॉश बेसिन हो, अच्छे से साफ करता है और छोटे कोनों में से डस्ट को निकाल देता है। Amazing! तो ये है मेरा क्लीनिंग ब्रश डिस्पेंसर है। तो ये मैंने इसलिए परचेस किया क्योंकि किसी किसी को लिक्विड डिटर्जेंट की एलर्जी होती, तो इसीलिए मैंने ये परचेस किया। और आपको ये ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ये आपको हाथों को और नाखूनों की सुरक्षा करता है। ये रसोई के स्थान और अन्य घरेलू कामों के लिए एक आदर्श सफाई ब्रश है। तो है ना बढ़िया चीज़। और काम होने के बाद आप ब्रश को धो लें। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसे ही अनबॉक्सिंग के साथ। थैंक यू।